ओके गाइस नमस्कार 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्राइडे मॉर्निंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिमेश। 15th of March इस दिन को अब हमें याद रखना है 15th of March 2024 क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन जो है वो बनने वाला है। वे पीछे आप देख सकते हो इस वक्त ये है हमारा एस्प्लेनेड स्टेशन। अब आपको लग रहा होगा कि एस्प्लेनेड स्टेशन तो आप पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन इस स्टेशन की क्या खूबी है। वेल आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम फेस करते हैं जब हम हावड़ा स्टेशन जाते हैं। जी हाँ, हावड़ा स्टेशन जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप जब आप रिटर्न आते हैं हावड़ा से और आप सोचते हैं कि लगेज ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो हमें ओला उबर या फिर टैक्सी मिल जाए। टैक्सी तो मिलती है हावड़ा से, आराम से मिल जाती है, लेकिन थोड़ा दौड़ना पड़ता है, इस एरिया से दूसरे एरिया में जाना पड़ता है और उसके बाद जाकर हमें मिल जाती है हमारी टैक्सी। लेकिन अब आप इस प्लेनेट तक आ सकते हैं मेट्रो से। जी हाँ, अब हावड़ा मैदान से लेकर इस प्लेनेट तक की दूरी जो है वो आप मेट्रो के थ्रू कवर कर सकते हैं। वेल आप देख सकते हो ये है इस प्लेनेट स्टेशन। नॉर्मल जो इस प्लेनेट स्टेशन है उससे थोड़ी सी दूरी पर है ये इस प्लेनेट स्टेशन। तो आज मैं आपको वॉक थ्रू कराने वाला हूँ और ट्रेन में जब मैं ट्रैवल करूँगा वो भी आप बिल्कुल लाइव देख पाएंगे। लेकिन राइट नाउ हम चले राइट नाउ इस प्लेनेट स्टेशन है एंड 7 बजे जो है आज हमारी ट्रेन जो है पहली सर्विस जो है शुरू होगी फॉर पैसेंजर्स। एंड ये है एस्प्लेनेड स्टेशन, आपको ऐसा नज़र आएगा। वेल राइट नाउ टाइम आप देख सकते हैं 6:34 AM है टाइम और फ्रेंड्स एफएम है बिल्कुल लाइव। वेल ये है इस वक्त स्टेशन, चलिए शुरू करते हैं। अनेक कुछ बोलना आछे, अनेक कुछ जानना आछे, सब कुछ हमें जानबो। वेल राइट नाउ প্রথম সার্ভিস ফর প্যাসেঞ্জার আজ সকাল 7টা থেকে শুরু হয়ে যাবে। ফার্স্ট অফ অল কংগ্রাচুলেশনস, অনেকদিন আমাদের ওয়েট করতে হলো, বাট এবার আমার মনে হয় অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে যারা হাওড়া থেকে আসতে চান এসপ্ল্যানেড, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া যেতে চান, স্টেশন যেতে চান অ্যান্ড নর্মাল পাবলিকের জন্য। হাউ ইউ ফিলিং, স্যার কেমন লাগছে? আমরা তো খুব গর্বিত কলকাতার মানুষের জন্য, কলকাতাবাসীর জন্য আমরা এমন একটা কাজ করতে পারলাম, কলকাতা মানুষের সহযোগিতায় আসতে পারলাম, এটাই বিরাট গর্বের আনন্দের দিন। আজকে আমাদের সবারই স্ত্রী খুবই আনন্দ লাগছে যে এরকম একটা দিন দেখার জন্য মানুষ এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছিল এবং আজকে সেটা দিনটা সফল হলো। একটু ছোট্ট করে প্যাসেঞ্জারদের জন্য একটু যদি বলে দেন রুটটা কি আছে। আমাদের এই হাওড়া স্টেশন থেকে চালু হচ্ছে, হাওড়া ময়দান থেকে চালু করছে এবং সেটা চলবে আপনার এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সকাল সাতটা থেকে প্রতিদিনই চলবে এবং এটা কানেক্ট করছে এসপ্ল্যানেডে। কবি সুভাষ থেকে যে মেট্রোটি দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে ওই লাইনটা আমাদের, যেটা সব থেকে বিজি লাইন ব্লু লাইন, ওটার কানেক্টিভিটি হচ্ছে। তারপরে এই লাইনটা আবার গিয়ে কানেক্ট করছে কবি সুভাষ থেকে ইয়ে পর্যন্ত, রুবি পর্যন্ত। তো পুরো শহর জুড়ে আমরা কানেক্টেড হয়ে গেলাম। কলকাতা মানুষ এখন আমাদের উপর ভরসা করবে, অন্য কারোর উপর ভরসা করবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, কংগ্রাচুলেশন, থ্যাংক ইউ। Thank you.
Hey guys, good morning. I'm your Animesh and Friday morning. So I'm going to station to see it. Right now, it's Esplanade station. And well, our train is going to be charged. Live camera is going to Well, आप देख सकते हो हावड़ा मैदान जाने के लिए आपको 2A से ट्रेन पकड़नी होगी और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए 1A से. वेल, आप जब इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो दिल्ली में जो आपने मेट्रो जैसे देखी है पूरी वैसी ही आपको हूबहू नज़र आएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और थैंक्स टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट की कहानी ये आज हो पाया है. वेल, आप देख सकते हैं कहां से कहां तक जाएंगे. इस प्लैनेट से आप ग्रीन लाइन से आप जा सकते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5, करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर, बंगाल केमिकल, सॉल्ट लेक स्टेडियम, फूल बगान, श्यालदा मेट्रो, एस्प्लैनेड. हम अभी इस जगह पर हैं और अब हम जाने वाले हैं हावड़ा मैदान की तरफ. इस साइड हम एस्प्लैनेड से हम महाकरण जाएंगे, फिर हावड़ा मेट्रो जाएंगे, देन हम हावड़ा मैदान पहुंच जाएंगे. वेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ. वेल, मेट्रो सर्विस आज से शुरू हो रही है एस्प्लैनेड टू हावड़ा मैदान एंड हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो की ये सर्विस होने वाली है. चार स्टेशंस कवर किए जाएंगे, हावड़ा मैदान, हावड़ा महाकरण एंड एस्प्लैनेड. इस वक्त हम एस्प्लैनेड स्टेशन पर हैं और आप देख सकते हैं महाकरण इसके बाद वाला स्टेशन होगा, फिर हावड़ा मेट्रो हम पहुँचेंगे, देन हम पहुँच जाएंगे हावड़ा मैदान. तो हावड़ा मेट्रो जो है वो है हावड़ा स्टेशन जो हमेशा खचाखच भरा हुआ नज़र आता है और उस समय लगता है कि हमें मेट्रो सर्विस मिल जाए दिल्ली की तरह. जैसे दिल्ली में आप NDLS से निकलते ही आपको मेट्रो सर्विस मिलती है, वैसे ही आपको सर्विस मिल जाए तो वो अब आप अवेल कर पाएंगे आज से. इस ऐतिहासिक हिस्सा का विटनेस मैं बन रहा हूँ. RJ ऑडिट्रो भी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हुए थे तो हम सब यहाँ पर मिलकर इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा बन रहे हैं. वेल, हावड़ा मैदान डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑफ द कंट्री से कहा जा रहा है क्योंकि ये गंगा के नीचे से ये फ्लो करने वाली अंडर वाटर 520 मीटर स्ट्रेच को ये कवर करने वाली है अंडर द रिवर हुगली. आप देख सकते हो ये है मॉर्निंग का नज़ारा और इस वक्त मैं हूँ बिल्कुल लाइव. आप देख सकते हैं जैसे कि आपने सॉल्ट लेक एरिया में देखा है जिस तरह से सेफ्टी के लिए ये गेट्स खुलते हैं और जब ट्रेन आएंगे तभी ये गेट्स खुलेंगे. ये पुरानी जो मेट्रो है जो हमने देखा है टॉलीगंज हो या पार्क स्ट्रीट हो या फिर गोड़िया तक देखा है हमने कि वैसा हो नहीं पाता है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओए गाइस, हमारी ट्रेन आने वाली है. एक और वीडियो थोड़ी देर में बनने वाला है, सफ़र का नज़ारा, ट्रेन के अंदर का नज़ारा आपके लिए बस थोड़ी देर में. स्टे हुक्ड गाइस. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत जाने सबाई के. और देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो आ चुकी है. एक ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा बनने वाला है 91.9 फ्रेंड्स FM भी. कोलकाता के पैसेंजर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर क्योंकि अब हावड़ा स्टेशन के लिए, मैं हावड़ा स्टेशन को ज़्यादा करके फोकस कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती है जब हावड़ा स्टेशन से उतरने के बाद हम ओला उबर खोजते हैं क्योंकि अब हावड़ा स्टेशन के बाहर से ही आपको मेट्रो सर्विस जो है मिल जाएगी इस प्लैनेट तक के लिए. और इस प्लैनेट आने के बाद तो आप कहीं भी जा सकते हैं, नॉर्थ कोलकाता जाना हो या फिर साउथ कोलकाता जाना हो. वेल, ट्रेन जो है वो आ चुकी है, पहली ट्रेन, और इसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं. वेल, ये है ट्रेन और गेट खुलने का इंतज़ार है क्योंकि बस इस यादगार मोमेंट का हिस्सा बनेंगे हम. मेट्रो सर्विस इस प्लैनेट से हावड़ा मैदान तक जाने वाली है. 4 स्टेशंस, हावड़ा मैदान, हावड़ा महाकरण एंड इस प्लैनेट, ये होंगे 4 स्टेशंस जिनको आज किया जाएगा कवर.
अंडर वाटर 520 मीटर स्ट्रेस जो है अंडर द रिवर हुगली वो हम कवर करने वाले हैं। बहुत कुछ है ट्रेन के अंदर का सर्विस, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। राइट नाउ देखिए दी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कहुना मई सेंट्रल पार्क सिटी सेंटर बेंगाल केमिकल सॉल्ट लेक स्टेडियम फूल बगान, इसको कनेक्ट किया जाएगा सियालदह मेट्रो एस्प्लैनेड। वी आर हेयर राइट नाउ एंड यहाँ से हम महाखंड जाएंगे हावड़ा मेट्रो एंड हावड़ा मैदान। ये सर्विस जो है वो आज से शुरू हो रही है। इस सर्विस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और ये सर्विस शुरू हो रही है। बिल्कुल आप टाइम देख सकते हैं, इट्स 6:53 AM। ये है स्टेशन, स्टेशन का पूरा वॉक थ्रू मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया है। सियालदह स्टेशन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 जाने के लिए आपको 1A से ट्रेन पकड़नी होगी जो अभी शुरू नहीं हुई है। आपको हावड़ा मैदान जाने के लिए आपको यहाँ से यानी कि 2A से आपको ट्रेन पकड़नी होगी। पहला सर्विस जो है वो शुरू होने वाला है और ये गेट खुलने का हम सबको इंतज़ार है। बने रहिए हमारे वीडियो में, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, 91.9 फ्रेंड्स FM, मैं हूँ RJ अनिमेश, बिल्कुल लाइव आप सभी के लिए इस प्लैनेट मेट्रो स्टेशन से। और दरवाज़ा खुल चुका है यानी कि मुझे एंटर करना है। इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा अब पूरा कोलकाता बनने वाला है। बहुत इंतजार करना पड़ा और आखिरकार हावड़ा के लिए अब आपको मेट्रो सर्विस जो है वो मिल जाएगी और इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा फ्रेंड्स FM बन रहा है। मैं अनिमेश इस वक्त इस प्लैनेट एरिया में हूँ और इस प्लैनेट स्टेशन से अब हमारी ट्रेन जो है वो निकलने वाली है। वेल आप देख सकते हैं सभी कितने एक्साइटेड हैं, सबके हाथ में सेलफोन है और इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें अब बढ़ना है हावड़ा मैदान की ओर। जी इस प्लैनेट से हावड़ा मैदान के लिए अब मेट्रो सर्विस जो है वो शुरू हो रही है। 4 स्टेशन हम कवर करने वाले हैं। इस प्लैनेट से हम महाकरण जाएंगे, महाकरण से हावड़ा स्टेशन एंड देन हावड़ा मैदान हम पहुंच जाएंगे। हावड़ा मैदान डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑफ द कंट्री से कहा जा रहा है और पानी के नीचे आज ये ट्रेन जो है वो पब्लिक के लिए पैसेंजर्स के लिए चलने वाली है, तो वो देखने लायक एक नज़ारा जो है वो होने वाला है। इस वक्त स्टेशन दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर हावड़ा मैदान, आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त यहाँ का नज़ारा। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি এসেছি তো মানে রামগড়
गाइस देख सकते हैं इस वक्त 7 बज चुके हैं और दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं, यानी कि अब हमारी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। के मूल्यों के संग आगे बढ़कर आने वाले दल को समृद्ध बनाना है। झूठ से गिर कर क्यों हम अपने नजरों से गिर जाए, भविष्य की स्वर्ण की जड़ को क्यों कमजोर बनाए। आओ शिक्षा स्वस्थ रहे, व्यापार को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, जीवन के हर पहलू को सत्ययुक्त और सशक्त करें। सच्चाई के पथ पर चलकर देश को विकसित बनाना है, मूर्खों के मूल्यों के संग आगे बढ़कर आने वाले दल को समृद्ध बनाना है। দেখতেই পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি মহাকরণ স্টেশনে। আমাদের ট্রেন রাইট নাও এন্টার করছে। ইয়ে হ্যাঁ মহাকরণ স্টেশন, স্টেশন কা পহলা লুক ভি আপ দেখ সকতে হ্যায় অনলি অন 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম। গোলামি হচ্ছি অনিমেষ, আপ সবাই কা বহুত বহুত স্বাগত হ্যায়। আপ দেখ সকতে হ্যায় ইস প্ল্যানেট সে আবি হাম নিকলে হ্যায়, মহাকরণ পৌঁছে হ্যায়, হাওড়া কি ওর হামে বড়না হ্যায়। গেট জো হ্যায় ও খুলনে ওয়ালি হ্যায়। ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं 91.9 फ्रेंड्स एफएम पर, बिल्कुल लाइव। मैं हूं अनिमेश। टाइम देख सकते हैं 7:03, 7 बजे हमारी ट्रेन निकली है, 3 मिनट में हम महागढ़ पहुंच चुके हैं। वेल अब हम नेक्स्ट स्टेशन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जो है हावड़ा स्टेशन, यानी कि
नेक्स्ट स्टेशन है हावड़ा, अगला स्टेशन हावड़ा, 7:04 हो गया है टाइम एंड हमारी ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। 4 स्टेशन आज से खुल चुके हैं एस्प्लैनेड। अब आपको लग रहा है एस्प्लैनेड में तो पहले से स्टेशन है, क्या वहीं से एंट्री हुई है? नहीं, अलग एक स्टेशन बनाया गया है, वहां से आपको एंट्री करनी है। अगर आप NDLS स्टेशन गए हैं, यानी कि अगर आप दिल्ली स्टेशन गए हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। दिल्ली में आपको रेलवे स्टेशन, यानी कि जो ईस्टर्न रेलवे की रेलवे स्टेशन, उससे बाहर निकल कर ही आपको मेट्रो मिलती है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन जो है वो नज़र आ जाएगी हावड़ा मैदान में, हावड़ा स्टेशन में, और वहाँ से आप एस्प्लैनेड आएंगे। एस्प्लैनेड जब आप आएंगे तो आपको 2 अलग अलग स्टेशन हैं। आपको जो रेलवे हावड़ा मैदान से जो ट्रेन आ रही है उसके लिए अलग स्टेशन है, वहाँ आपको निकलना होगा, फिर आपको एंट्री करनी होगी हावड़ा के एस्प्लैनेड के जो स्टेशन है, पुराने स्टेशन, उस पर एंट्री करनी होगी। गंगा नदी के नीचे है इस वक्त, आप देख सकते हैं, ये है वो नज़ारा गंगा नदी के नीचे। इस वक्त हमारी ट्रेन है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स FM पर। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट हम सब के लिए है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस वक्त हम गंगा नदी के नीचे हैं और हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है। इससे टनल को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया। अब हम नॉर्मल फिर से आ चुके हैं, यानी कि अब गंगा नदी से बाहर निकल चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो हावड़ा स्टेशन पहुंचने वाली है। जी हाँ, ये होगा, अगर आप हावड़ा स्टेशन जाना चाहते हैं तो आपको इस स्टेशन पर आना होगा। हावड़ा स्टेशन में हमारी ट्रेन अब एंट्री कर रही है, आप देख सकते हैं, ये है हावड़ा स्टेशन। और 7 हमारी ट्रेन छूटी थी और इस वक्त 7:06 हुआ है टाइम, यानी कि 6 लगे हैं इस प्लैनेट से हावड़ा पहुंचने में। जी हाँ, स्टेशन हावड़ा दरवाजे खुलने वाले दूधी के दरवाजा खुला हबे। हावड़ा मैदान हुआ नेक्स्ट स्टेशन। 7:06 पर ही हम पहुंच गए थे हावड़ा स्टेशन, अब हम हावड़ा मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। 7:07 हुआ है टाइम। Thank you.
सात बजे हमारी जर्नी शुरू हुई थी और देखिए हम हावड़ा मैदान पहुंच चुके हैं। टाइम आपको मैं दिखा दूं 7:09 यानी कि 9 मिनट्स में इस प्लैनेट से हावड़ा तक का, हावड़ा मैदान तक का सफर हमने कवर किया है। हावड़ा मैदान हम 9 मिनट्स में पहुंच चुके हैं। ये है हावड़ा मैदान, देख सकते हैं आप। यहां तक आज से पैसेंजर्स के लिए सर्विस जो है वो शुरू हो रही है। চলো আমরা একটু বেরোবো এন্ড আমরা একটু দেখবো। वेलकम गाइज, हावड़ा मैदान हम पहुंचे गए। ये है हावड़ा मैदान। ओके गाइज, नमस्कार। 91.9 FM, हम यो चुआनी में पहुंचे गए राइट नाउ हावड़ा मैदान। इस प्लैनेट से हमारी जर्नी शुरू हुई और हम पहुंच चुके हैं हावड़ा मैदान। ऐतिहासिक मोमेंट 91.9 FM के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि इस वक्त 7:10 हुए हैं टाइम। आपको बता दूं कि 7 बजे इस प्लैनेट से ट्रेन जो थी वो छूटी थी। 4 स्टेशन हमने कवर किए, 9 मिनट लगे हैं, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है। 9 मिनट्स में हम हावड़ा मैदान पहुंच गए। भावा जाए, 9 मिनट्स में आप हावड़ा मैदान इस प्लैनेट से पहुंच चुके हैं, यानी कि कितना ईजी हो जाएगा अब ये सर्विस। और आप आराम से अब हावड़ा मैदान जा सकते हैं। बहुत सारे हावड़ा मैदान जो है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ हमेशा रहती है और आप पहुंच सकते हैं। और फिर हावड़ा मैदान से इस प्लैनेट हम रिटर्न जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वेल, इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा आप बन रहे हैं 91.9 FM। भीड़ इस वक्त देख सकते हैं। ये है हावड़ा मैदान स्टेशन। इस वक्त मैं आपको हावड़ा मैदान स्टेशन दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। पैसेंजर्स के लिए आज से शुरू हो चुका है हावड़ा मैदान टू इस प्लैनेट सर्विस। ये ट्रेन एक बार फिर से छूटेगी हावड़ा मैदान से, अब सीधा पहुंच जाएंगे इस प्लैनेट एक बार फिर से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है इस प्लैनेट के लिए, ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिल रही है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए ट्रेन आपको दूसरी तरफ से मिलने वाली है। ये पूरा वैसा ही नज़ारा है जैसा दिल्ली में होता है। इस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो हावड़ा मैदान पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव हूँ मैं अनिमेश आपके साथ और इस ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ। ये है हावड़ा मैदान स्टेशन और हमारी ट्रेन जो है वो बस से छूटने ही वाली है एक बार फिर से इस प्लैनेट के लिए। तो थोड़ा और इंतज़ार, एक बार फिर से मैं आपको ट्रेन के अंदर ले जाऊँगा और दिखाऊँगा क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। 91.9 FM, मैं हूँ अनिमेश और हमारी ट्रेन सर्विस जो है शुरू हो चुकी है। हावड़ा मैदान से हम निकल चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं इस प्लैनेट की ओर। नेक्स्ट स्टेशन इज हावड़ा। हमरा एगोची टुवर्ड्स हावड़ा, हावड़ा हुए महाकरण हुए आबार हमरा इस प्लैनेट पहुंचे जाबो।
परवर्ती स्टेशन हावड़ा स्टेशन मीन्स हावड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ से आप जा सकते हैं। दूधी के खुलेगा तो ये है हावड़ा स्टेशन, यानी कि अगर आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको इस स्टेशन पर उतरना होगा। Next station is Mahakal. अगला स्टेशन महाकरण। परवर्ती स्टेशन महाकरण। देख सकते हैं जो ब्लू हो चुका टनल यहाँ, इसका मतलब है कि गंगा के नीचे इस वक्त हम हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, ऐसा लगेगा कि आप पानी के नीचे हैं और इस तरह का एक। अब हम बाहर निकल चुके हैं, यानी कि हम अब नॉर्मल गंगा से बाहर निकल कर अब हम टनल में हैं। আমার নয় কালের হিসাব দেবে
বলুন কেমন লাগছে বলুন, এটা একটা হিস্টোরিক মোমেন্ট বলতে গেলে। আমরা মহাকরণ স্টেশন পৌঁছে গেছি, এবার এক্সপ্লানেড দিকে এগোচ্ছি। ওভারও কেমন লাগলো কিছুক্ষণ আগে আপনারা পুরো ট্রাভেল করেছেন? খুব দারুণ, অনেক দিনের আমার প্রতীক্ষা ছিল। খুব আনন্দ লাগছে, খুবই ভালো লাগছে, অদ্ভুত লাগছে। এটা আমরা প্রথমবার এই যে আমাদের হাওড়া ময়দানে মেট্রো যে হয়েছে, এটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা গঙ্গার নিচে দিয়ে ক্রস করলাম, কেমন লাগলো? দারুণ, বুঝতেই পারলাম না যে আমরা গঙ্গার তলা দিয়ে যাচ্ছি। ওই লাইটের মার্কিং ছিল বলে সম্ভবত ওইটুকুনির জন্যই বেড়ে যাচ্ছি যে আমরা নিচে আছি। আমাকে একটা কথা বলুন না, আপনারা কি হাওড়া ময়দান থেকে উঠলেন কি এসপ্ল্যান্ড থেকে উঠেছেন? হাওড়া ময়দান থেকে এসেছি। মানে কোনো কারণে যাচ্ছেন কি এটা দেখতে এসেছেন? এটা দেখতে দেখতেই এসেছি আমরা, এটা ট্রেন ফার্স্ট এসপ্ল্যান্ড। খুব আনন্দ, খুব ভালো লাগছে আমাদের, খুব ভালোই লাগছে। কতটা হেল্প করবে হাওড়া ময়দানে যারা থাকেন তাদের, কতটা হেল্প হবে? অবশ্যই হবে, যানজটের থেকে হেল্প তো অবশ্যই হবে। যাদের শুধু ট্রাভেল করা আছে তাদের জন্য তো অনেকটাই কাজে আসবে। এটা এখান থেকে আমাদের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার অসুবিধা হয়ে গেল, বৌবাজারের কেটে গেলেই আমাদের সব থেকে শিয়ালদাটা যোগাযোগ সম্ভব হয়ে খুব ভালো হবে। ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বলে এনজয় করুন। আমার জার্নি 7 বাজে শুরু হয়েছি প্ল্যানেট সে, হাওড়া ম্যাদান সে গে, আর এক বার ফির সে হাওড়া ম্যাদান সে প্ল্যানেট আ চুকে হ্যাঁ। ওয়েল, ইয়ে ঐতিহাসিক মোমেন্ট কাজ হিসাব সে ফ্রেন্ড সেটআপ নি বন রা হ্যায়, ইয়াহ কে জো লোগ হ্যায় প্যাসেঞ্জার্স হ্যায় সবই বনে হ্যায়, আর ইয়ে এক यादगार मोमेंट हम सबके लिए रहने वाला है। वेल, आप देख सकते हैं इस वक्त जैन ट्यूटोरियल्स के भी इस वक्त एडुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स जो है वो सभी आ चुके हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात हो जाए। सर आपका नाम? गौतम दुग्गड़। गौतम सर, कैसा लगा ओवरऑल बच्चों के साथ आपने ट्रैवल किया, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सालों से सपना था कि मेट्रो जब खुलेगा तो पहला राइड मैं और मेरे स्टूडेंट्स मारेंगे, और आज वो सपना पूरा हो गया इतने सालों बाद। क्या बात है। तो आपने 7 बजे अपनी जर्नी शुरू की थी, बिल्कुल वो मोमेंट थोड़ा याद आ रहा है? कुछ करीब करीब 27 मिनट हुए, 27 मिनट पहले का मोमेंट, पहली बार ट्रेन चल के पहुंची हावड़ा मैदान तक। बहुत अच्छा मोमेंट था, एक यादगार पल है। बहुत सारे बच्चे जो कलकत्ता से हावड़ा उधर पढ़ने आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी, अब वो मेट्रो से आराम से आ सकेंगे। जो एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर दिखा है वो लाजवाब था, बिल्कुल। तो आप कहाँ रहते हैं? खुद आपका? मैं खुद हावड़ा में ही रहता हूँ। हावड़ा में रहते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड रहता है हमेशा, हमने देखा है ये कंजेशन काफी ज्यादा रहती है, खास करके हावड़ा से जो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं और कहीं भी उनको जाना हो, साउथ जाना हो, नॉर्थ जाना हो, सॉल्ट लेक जाना हो, दिक्कत होती थी। अब वो दिक्कत कम हो जाएगी काफी, अब वो दिक्कत काफी कम हो जाएगी। हम शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, राज्य सरकार के भी, जिन्होंने इतना बड़ा एक प्रकल्प को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से कंप्लीट किया है, जहां से अब लोगों की दिक्कतें सारी खत्म हो जाएगी, कंजेशन की, जाम की, टाइम पे नहीं पहुंचेगी, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। हमारे स्टूडेंट्स के साथ बातें करेंगे। व्हाट्स योर नेम? अनिशा शाह। अनिशा, कैसा लगा? बच्चों को काफी दिक्कत होती थी जल्दी पहुंचने में, अब काफी सुविधा होगी। गवर्नमेंट ने मेट्रो का ये करके बहुत हेल्प किया हम स्टूडेंट्स लोगों, अब हम लोग कहीं भी टाइम पे पहुंच सकते हैं, और ये काफी अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन का एक मेथड है। आप सब कहाँ रहते हैं? आप सब हावड़ा में? हावड़ा वालों के लिए काफी ज्यादा मदद हो रही है ये। कैसा रहा ये जो सफर था, कैसा रहा? ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला स्टूडेंट्स लोग से, एंड जैसा अभी तक सब अच्छा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस, हमारे साथ बातें करें। कोलकाता मेट्रो के लिए हो जाए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, थैंक यू सो मच। Hey guys, 91.9 Friends FM, this is RG Animesh. Well, हमारी जो है इस वक्त ये जर्नी जो है चल रही है। दादा अनेक दूर থেকে এসেছেন, দাদার সাথে একটু কথা বলি। দাদা কোথা থেকে এসেছো? আমি মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে। কারণটা কি, আসার কারণটা কি? প্রথম দিনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য, বিশেষ একটা টেকনোলজির যে ডেভেলপমেন্ট ঘটছে ইন্ডিয়াতে, নিউ ইন্ডিয়া বা নিউ ইন্ডিয়ার যে সাক্ষী হতে এলাম, ভারতবর্ষের প্রধান নদী গঙ্গা নদীর নিচ দিয়ে যে প্রথম সেবা শুরু হলো, দারুণ লাগলো। কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স? একটু আমরা হেঁটে হেঁটে কথা বলবো। একদম দারুণ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করছিলাম, অফিসের ছুটি নিয়ে আজকের দিনটাই বেরিয়ে এসেছি।
আমাকে একটা কথা বলো, যখন তুমি প্রথম জার্নি শুরু করলে আমরা এসপ্ল্যানেড, এসপ্ল্যানেড থেকে উঠলে কি হাওড়া ময়দান থেকে, হাওড়া ময়দান থেকে উঠেছো, হাওড়া ময়দান থেকে উঠলে কেমন লাগলো বলো? দারুণ লাগলো, খুব দারুণ ফিলিংস। মানে পুরোনো যে মেট্রো ছিল সেই মেট্রো থেকে এখানকার দরজা বা ট্রেনগুলো সব উন্নত মানের রেক, এবং গঙ্গাটা কীভাবে বেরিয়েছি বুঝতে পারবো না, মানে মানে হুলুধ্বনি বা হুলু মানে হই হুলুর করতে করতে কয়েক সেকেন্ডের মাঝখানে গঙ্গাটা বেরিয়ে এসেছি। দাদা দেখো আমরা কানেক্টেড, কিন্তু কানেক্ট হয়ে আমরা পুরোনো স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এটা এটা যেটা আমরা কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে, এইটা খুব দরকার ছিল। তার মানে নতুন স্টেশন থেকে আমরা ঢুকে আমরা এবার থেকে সরাসরি কবি সুভাষ বা দক্ষিণেশ্বর পুজো দিতে আমরা যেতে পারবো একদম আরামসে, কোনো বাইরে বেরোতে হবে না, সোজা আমরা এসপ্ল্যানেড নতুন স্টেশন থেকে আমরা ভিতর ভিতর হয়ে আমরা দেখো এখন চলে এসেছি, আমরা পুরোনো স্টেশনে রাইট না আমরা চলে এসেছি। দারুণ লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা আমার সাথে কথা বলার জন্য, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। পেল আপ দেখ সকতে ইস পুরানে স্টেশন মে হাম পৌঁছে হ্যাঁ, আর ইয়ে হ্যাঁ নয়া স্টেশন জানে কা জগা, ইয়ানি কি ইয়াহাঁ সে আপ নয় স্টেশন মে আপকি এন্ট্রি জো হ্যায় ও হো জায়গি। পেল আমি হচ্ছি অনিমেশ অ্যান্ড রাইট নাও গেট নম্বর চারের সামনে আমি পৌঁছে গেছি, ইয়ানি কি গেট নম্বর চারকে পাশ সে আপকি এন্ট্রি জো হোগি ও নয় স্টেশন মে জানে কি হো সকতি হ্যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস, দেখা হবে খুব শীঘ্রই, ইয়ে হ্যায় এক হিস্টোরিক মোমেন্ট হাম সবকে লিয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।